गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों, गुड मोदीकर मॉर्निंग। और आज का दिन खास है, गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन हम लोग के लिए यहाँ गुरु का होता है और हम लोग हर गुरुवार को कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की गुरुवार की जो कहानी है वो बहुत मनोरंजक और शिक्षाप्रद होने वाली है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं पिछले 24 सालों से शिक्षक हूँ। तो गुरुवार का दिन और गुरु का मन संचालन, इसमें दो लोग शामिल होंगे और उसमें से एक कविता पुजारी मैम है जो कि लाइब्रेरियन है, यानी कि वो भी गुरु हैं। और दूसरी एक और शामिल होंगी उसमें है प्रिया गुप्ता जो कि प्राइवेट शिक्षिका है, तो वो भी गुरु है। तो गुरु का मन संचालन और दो गुरुओं की बातचीत हम लोग आज के सेशन में ये सीखेंगे कि अप्रोच कैसे किया जाता है। हम लोग आज सीखेंगे कि मीटिंग के पहले हम लोग को क्या बोलना है और हम लोग ये भी सीखेंगे कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। तो गुरुवार के दिन गुरुओं के द्वारा विशेष रूप से आज का सेशन है, बनाया हुआ है। हम लोग मेहनत किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ कमी हो, लेकिन उम्मीद है कि कमी तो नहीं रहेगी। आप लोग को बहुत आनंद आएगा, तो बहुत मजा आएगा और शिक्षाप्रद भी। और हम लोग को इस बिजनेस में यही करना है, और अगर आपने और हमने ये कर लिया तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत कुछ खास होने वाला है। और हम कुछ और बता दें, इसमें जो मेन भूमिका पे आ रही है कविता पुजारी मैम, वो मोदी केयर की कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी कंसल्टेंट है, और उन्होंने अपने लगभग 200 लोगों की लिस्ट बना ली है और आज वो किसी फंक्शन में जा रही है। तो फंक्शन में जा रही है, उन्होंने अपने अपने लिस्ट को एक बार देख लिया है कि हमारे लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं और किनसे फंक्शन में मुलाकात हो सकती है। तो इस सेशन में दो या तीन भाग होंगे, बीच बीच में मेरी एंट्री होगी। तो पहले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि अप्रोच कैसे किया जाता है, मीटिंग में कैसे लोगों को बुलाया जाता है, फंक्शन में किसी को कैसे हम अप्रोच मतलब कि कंपनी के प्लान के लिए तैयार करते हैं, उनकी यानी कि प्लान को देखने के लिए तैयार करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं कविता जी का, वहां पर वो एक्ट करेंगी कि वो किसी फंक्शन में है और अपनी किसी छात्रा से या किसी दोस्त से मिल रही हैं। तो हम वेलकम करते हैं कविता जी का। यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है, हमने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, बस आपको एक्ट शुरू करनी है, इसलिए कि ये 40 मिनट में हम लोग सब कुछ समाप्त करना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी कविता पुजारी मैम की और उसी फंक्शन में गई प्रिया गुप्ता जी की। आइए आप दोनों आदमी। हाय प्रिया, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? बस मैं भी बढ़िया। और घर में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं मैम, अपना बताइए। मम्मी पापा सभी बहुत अच्छे हैं मैम। हाल है? हाँ प्रिया, रंजन कैसे हैं? रंजन भी अच्छा है मैम। पढ़ाई अच्छी चल रही है रंजन की? जी मैम, बहुत अच्छी चल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बाकी क्या कर रही हो आजकल तुम? कुछ नहीं मैम, बस वही जो मेरा स्कूल है, स्कूल जा रही हूँ, जो मेरा टीचिंग का काम है वो कर रही हूँ और साथ साथ ट्यूशन के काम भी कर लेती हूँ, बाकी क्या करूंगी मैम। बहुत बढ़िया। तो सैलरी वगैरह दे रहे हैं अभी कोविड काल में तुमको ठीक से? नो मैम, कोविड से तो बहुत हम लोग परेशान थे और उसके बाद से तो हम लोगों की सैलरी का तो आप पूछिए मत। ऐसे भी आप जानती हैं कि एक प्राइवेट टीचर को क्या सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और बाकी फिर बचे हुए टाइम में तो तुम ब्यूटीशियन का काम कर ही रही हो और बावजूद इसके थोड़ा बहुत काम तो होता ही है, तो और क्या कैसे यूज कर रही हो उस टाइम को तुम? बस वही मैम, फोन चला लेती हूँ या एक्स्ट्रा इधर उधर करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ, दूसरा क्या करूंगी। सही बात है, दूसरा क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यदि इसी टाइम को हम रीयूज करें, जो टाइम तुम वेस्ट कर रही हो, तो कैसा रहे और उसी टाइम में तुमको पैसा भी मिले, साथ ही पैसा भी मिले, तो कैसा रहे? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। ऑफकोर्स क्यों नहीं, बहुत अच्छा बात है कि मान लीजिए जिस टाइम में मैं फोन यूज कर रही हूँ, जिस जो अपना फ्री टाइम दूसरे चीजों में स्पेंड कर रही हूँ, तो अगर
अगर उसको पैसे कमाने में करूंगी तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रिया, तो क्या तुम जानना चाहोगी कि कैसे हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, जानना चाहोगी? यस, नेकी और पूछ क्यों नहीं मैम। तो कब हम मिल सकते हैं, आज या कल? अच्छा मैम, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करते कल मिल लेते हैं। अच्छा, तो कल सुबह मिलना पसंद करोगी या शाम में? अच्छा सुबह में, ऐसे सुबह में तो मेरी स्कूल रहती है, एक काम करते हैं हम शाम में मिल लेते हैं। शाम को 5 बजे या 7 बजे, बताओ कौन सा टाइम तुम्हें ठीक लगेगा? 5 बजे बेटर रहेगा मैम। चलिए तो फिर कल मिलते हैं हम 5 बजे, ठीक है? ओके, कल शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने देखा अप्रोच कैसे किया जाता है, कविता जी ने सबसे पहले फैमिली की बात की, फिर ऑक्यूपेशन की बात की, फिर रिक्रिएशन की बात की, और लास्ट में मनी की बात करके अप्रोच किया, यानी कि मीटिंग सेट कर ली। अब हम लोग इस सेशन में जो दूसरा पार्ट है, मीटिंग कैसे स्टार्ट किया जाता है, मीटिंग के पहले हमको क्या बोलना है, वो हम देखेंगे कविता जी के माध्यम से। और प्लान यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, मतलब प्लान के पहले क्या बोलना है वो देखेंगे, और प्लान की जगह पे हम लोग फिर से एक हमारा मतलब कि इसमें एंट्री होगा कि प्लान के बाद फॉलो अप कैसे किया जाता है, फिर हम आएंगे बताने के लिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्लान के पहले हमको क्या बोलना है। तो फिर से लोग दोनों आदमी का एंट्री होता है, और कविता जी प्रिया के घर पे जा रही हैं और इस मीटिंग को शुरू कर रही हैं। आप दोनों का फिर से वेलकम। रिंग रिंग। यस मैम। हेलो प्रिया, कैसी हो? हेलो मैम, बहुत अच्छी हूँ मैम। आज टाइम सेट करके रखा था हमने, और 5 बज रहा है, ठीक देख लो आप घड़ी, 5 बज रहा है, हम आ गए आपसे मिलने। यस मैम, और मैंने सारे काम निपटा लिए हैं क्योंकि आपने टाइम दे रखा था 5 बजे, इसलिए। सही बात है, आप बहुत पंचुअल है इसका मतलब, राइट? Yes, ma'am. इस बिजनेस को जरूर बहुत अच्छे से सीखेंगे। Yes, ma'am. तो हम परिवर्तन शुरू करते हैं, आप समझ लीजिए कि क्या क्या है। दो तरह के सोर्सेस होते हैं इनकम के, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम ये होता है, और इस तरह से पूरा परिवर्तन सेशन होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है, ठीक है? और अब आप मुझे बताइए, ये आपको बता दिया मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं और बहुत बड़ी रेंज है। अब प्लान भी मैंने दिखा दिया कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं, है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि आपको मेरा प्लान अच्छा लगा या मेरा प्रेजेंट या प्रोडक्ट अच्छा लगा। और साथ ही ये चीज बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि एक्स्ट्रा टाइम में 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी सोर्स का इनकम कमाया जा सकता है। समझ रही हैं आप बात को, है ना? यस। और करे भी क्यों ना, क्योंकि यदि घर में यदि 3 से 4 हजार का सामान लग रहा है और आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है तो इससे अच्छी बात क्यों होगी, है ना? तो जो लोग मना करते हैं उसके दो ही कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि या तो उनके पास 3 से 4 हजार रुपया नहीं है, है ना, या तो उनको एडिशनल इनकम की जरूरत नहीं है, या वो इतने गरीब है कि उनके पास 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने के लिए नहीं है। तो बताइए आपको क्या चीज अच्छी लगी। यस मैम, आपने तो बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया मैम, लेकिन एक्चुअल में बात यह है ना कि आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है और आपकी प्लान भी बहुत अच्छी है, आपने प्रेजेंटेशन जो दिया मुझे वो भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही मैम कि ये है क्या, है ना, कि इतने सारे आपने बता दिए लेकिन ये है क्या, हम इसको कैसे करेंगे, क्या है इसका नाम क्या है, है ना? जैसे मोदी केयर, जैसे आपने बताया कि मोदी केयर है क्या, कैसे करेंगे इसको हम।
मोदी केयर आपको बताया, जैसे मैंने अभी पूरे प्लान में, कि मोदी केयर जो है अपने आप में एक कंपनी है, उसके पास बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और हर तरह की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, आप वैसे भी मार्केट से खरीद रहे थे, और मार्केट से खरीद रहे थे तब आपको ग्रोसरी वाला कुछ दे रहा था क्या? कुछ नहीं दे रहा था, पिछले सालों, कई सालों से खरीद रहे हो, पर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ उससे? कभी नहीं हुआ। पर यहाँ मोदी केयर बोलता है कि यदि आप 6 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो 7वें महीने में आपको उसी अमाउंट के एवरेज के आपको प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यानी कि यदि सपोज आपने 5,000 के लिए 6 महीने तक लगातार लिए, तो उसके बाद आपको 6वें महीने में 5,000 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। अब बात ये आती है, आप बोलोगे कि मेरा परिवार तो छोटा है, तो मैं क्या करूं, 5,000 के प्रोडक्ट्स मैं नहीं लेती हूँ। तो हो सकता है कि आपके परिवार में 3,000 के लगते हो, 3,000 के भी लगते हैं तो भी 6 महीने के बाद आपको 3,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, है ना। और इसी तरह से बाद में यदि आप 12 महीने तक लगातार ले लेते हो, तो 12 महीने के बाद फिर से आपको प्रॉफिट होगा। कि 3,000 यदि हम एवरेज माने, तो 3,000 के आपको 6,000 के दो 3,000 के दो कूपन मिले, यानी कि टोटल 6,000 के आपको प्रोडक्ट फ्री मिले, है ना। तो ये चीज है, मतलब आप सोचिए कि आप मार्केट से खरीद रहे थे, तब तक तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, और अभी तो आपको फायदा हो रहा है कि भाई आपको कुछ तो मिल रहा है। और हम लोग सेल में क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना सेल में, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिले। और यहाँ तो आपको हर टाइम, पूरे टाइम सेल ही सेल है, और फिर भी हम सोचते हैं कि क्या करना है। तो पूरा प्लान तो अच्छा है, अल्टीमेटली डिसीजन तो आप ही का है। क्या मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें समझा दी। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, एक ही क्वेश्चन है मेरे पास कि अच्छा मान लीजिए कि आपने तो बता दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये चीज कैसे मानूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने नेटवर्क के बारे में सुना है, बहुत लोग बताए हैं जैसे आप अभी बता रही हैं, तो क्या मैं आपसे ये चीज पूछ सकती हूँ? पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको अच्छा लगेगा, कैसा रिएक्शन होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि क्या ये गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है? ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी सारी कंपनियों की जैसा ये भाग जाएगा? नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ प्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और पहली बार जब मैंने भी इस बिजनेस के बारे में पता हुआ था मुझे, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका, कि ये सर्टिफाइड है या नहीं। अब इसका क्या है, एक बात बताओ, एक यदि कोई ड्राइवर है और उसने 4-5 दिन पहले गाड़ी चलाना सीखा है, आप उसी से मुंबई जाना पसंद करोगे, या ऐसा ड्राइवर है जो 25 सालों का अनुभव रखता है, उसके साथ जाना पसंद करोगे? बताओ। एब्सोल्युटली, हम जो 25 साल पुराना है उसके साथ जाना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच मैम ये क्लियर करने के लिए। और मोदी एक और केयर, बताइए। यस मैम बोलिए। एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि IDSA से जुड़ी हुई है और सर्टिफाइड है, फाउंडर मेंबर है ये। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर, मतलब रिया, समझ रहे हो ना? यस मैम, और कोई क्वेश्चन आपका? ओके मैम, एक क्वेश्चन और है कि बहुत सारे एक्चुअली आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सच में ये बिजनेस मुझे कर लेना चाहिए। एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है इसके अंदर, तो मैं एक सवाल आपसे एक और पूछूंगी कि क्या ये, जैसे मान लीजिए कि किसी से हमें बात करना हो या कोई हेजिटेशन हो, अदरवाइज आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या इसमें कोई ऑफिशियल मतलब कॉल सेंटर वगैरह होता है जहां से मैं बात कर सकूँ, संपर्क कर सकूँ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिया, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोदी केयर ऐसी संस्था है जहां पर आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपके अपलाइन सपोर्ट करते हैं। आपके अपलाइन में आप देख लीजिए, आप सबसे पहले अपनी LOS उठा के देखिए, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है आपको सपोर्ट करेंगे। फिर यदि सपोज वो नहीं उठाते फोन, जैसे मेरे साथ होता है, मेरी अपलाइन अनीता जी है, अनीता जी कभी बिजी होती है तो मैं सविता दी से बात कर लेती हूँ, और कभी सविता दी बिजी होती है तो मैं आशुतोष सर से बात कर लेती हूँ, और कभी आशुतोष सर भी कहीं व्यस्त हैं तो मुझे रमेश सर से या हरिशंकर गुप्ता सर, जो हमारे GBD हैं, उनसे भी गाइडेंस मिल जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि पूरा लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके लिए रेडी है। तो सिर्फ यही बात नहीं है, इसके अलावा आप ये भी देखो कि हमारे पास फोन की सुविधा भी है, हम एनी टाइम फोन कर सकते हैं, कभी
कंपनी को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, हमारे साथ ट्रेनर्स होते हैं, हम ट्रेनर्स से भी बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी है। तो बताइए और कुछ, आपका कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, अभी के अभी ज्वाइन करना चाहिए। और अच्छा एक बात बताइए कि क्या आप मुझे ऑलवेज हेल्प करोगे, क्योंकि अगर मैं आपके साथ मैम। अच्छा एक बात और है मैम, मुझे लग रहा है एकदम ज्वाइन इसको कर ही लेना चाहिए। तो अच्छा बताइए कि इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, जैसे किसी बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, 1-2 लाख तो लग ही जाएंगे, राइट? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, 1-2 लाख कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है 1-2 लाख, और बड़ी आसानी से हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। पर मोदी केयर एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता है। जैसे आपको भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही इसको बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो। सिर्फ इसमें आपको आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, मतलब कोई भी आईडी प्रूफ देना होगा और एड्रेस प्रूफ देना होगा, साथ ही नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ चीजें आपको देनी होगी। और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और फिर जो भी आपकी इच्छा हो, आप चाहे तो 2,000 से ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो 4,000 से ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है ना। कितनी अच्छी बात कि हम जो चाहे और उसी प्राइस के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो अब इसमें रिस्क भी नहीं रही, किसी भी तरह की रिस्क नहीं, क्योंकि कुछ रिस्क है क्या, यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, आपको ज्वाइनिंग कर लिया, आपने ज्वाइन बिजनेस को कर लिया और आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसी प्राइस के जो भी आप खरीदना चाहें, जो भी आपकी जरूरत के प्रोडक्ट्स है, तो इसमें कुछ असुविधा है? आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आप चाहो तो 1100 से शुरू करो, आप चाहो तो 2100 से करो, आप चाहो तो 3100 से करो, आप चाहो तो 5100 से करो, और इससे भी ऊपर के अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हो। अब आप बताइए कि आप कितने अमाउंट से शुरू करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बात बताया आपने मुझे, और ऑब्वियसली मैं जितना ये पार्ट करूंगी उससे शुरुआत करने की कोशिश करूंगी, हाँ, और मैं कोशिश इसको करूंगी प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट ही तो यूज करना है क्या मैम, है ना। तो अच्छा मैम, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसको बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, या अगर हम इससे अगर हम एज इसको जॉब के रूप में कर लेते हैं तो कितने पैसे कमा सकते हैं इससे, क्योंकि कुछ लागत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यस मैम, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आम का पेड़ कैसा होता है, आम आप बोते हो, आम का पेड़ पौधा लगाते हो, तो क्या तुरंत से आम आने लगते हैं? नहीं नहीं आते, थोड़ा सा समय लगता है, 2 से 5 साल लगता है, एक बार पर आना शुरू हुए तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन खाएगी ना उस आम को, बिल्कुल, आने वाली जनरेशन उसका पूरा फायदा उठाएगी, और आपकी जनरेशन के बाद भी और दूसरी जनरेशन भी फायदा उठाएगी। तो ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस है कि इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि इससे हमको इनकम नहीं आ रही, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आपको एकदम से इनकम ना आए, क्योंकि इसमें कंपनी ने अलग अलग लेवल्स बनाए हुए, और जैसे आप इनिशियली ज्वाइन करते हो 7% के लेवल पे होते हो, तो जो भी प्रॉफिट है उसका 7% आपको मिल जाता है, ऐसे कर करके आप 16% के लेवल पे आ जाते हो और आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हो, और इसके बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको, इसके आगे ट्रेवल बोनस मिलता है, आप जब सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको फॉरेन के लिए ट्रिप के लिए आपका पैसा जमा होने लगता है, ठीक है, फिर आपको होम के लिए बोनस, ड्रीम होम के लिए आपको मिलने लगता है, तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट है। आपको कार भी चाहिए कि भाई आपके पास अब घर है तो कार भी होनी चाहिए, तो आपको कार के लिए भी पैसा मिलेगा, तो ऐसे अलग अलग लेवल से उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आने लगता है, तो है ना बहुत अच्छी बात। और इसमें एक और अच्छी बात है कि 2% अटूट बंधन बोनस होता है, जो कि बहुत अट्रेक्टिव है, और दिखने में तो 2% दिखता है पर होता उसमें 21 लाख का केपी, मतलब आप यदि उस लेवल तक अचीव कर जाते हो तो आपको 21 लाख का भी इंसेंटिव मिलता है मिनिमम, तो ये बहुत अच्छा प्लान है। और आपको एक चीज और बता दूं प्रिया, इस मंथ में तो और भी अच्छी चीज चल रही है, वो ये कि यदि सपोज आप अभी बिजनेस ज्वाइन करते हो, आपने 1350 BV किया,
बीवी मतलब क्या, बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। यदि आपने 1350 बीवी किया तो, और आप किसी और एक व्यक्ति को अपने साथ लेके आते हो और उन्होंने भी 1350 का बीवी किया, या दो व्यक्तियों को आप लेके आते हो, तो 1350 एक व्यक्ति का बीवी होने पे आपको 500 रुपए और एडिशनल इनकम हो जाएगी। ये ऑफर्स हर बार नहीं चलता है, ये अभी दिवाली धमाका है इसलिए चल रहा है। तो इस बार 2 persons की कैपिंग है, मतलब आप अपने साथ 2 लोगों को लेके आइए और 1000 से अधिक रुपए एक्स्ट्रा लेके पा सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत अच्छा आपने बात बताया, बहुत एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट हो रही है हमारे अंदर, है ना। और सवाल पे सवाल आए जा रहे हैं मैम, थोड़ा सा आप बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि मेरे पास नहीं, कुछ नहीं, और कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है जो सवाल करता है, मतलब आप निश्चित रूप से आप बहुत एक्साइटेड हो इस बिजनेस को लेके और आप चाहती हो कि बहुत अच्छे से करें। यदि सवाल ही नहीं होंगे तो फिर जवाब कहाँ से आएंगे, इसलिए सवाल तो जरूरी है, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके। यस मैम, तो आप पूरा नहीं मानेंगे मुझे आशा है। और एक बात मुझे बताइए मैम, मैं तो प्रोडक्ट ले लूंगी और मैं इस बिजनेस को भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन वो हमारे स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्या ये सारे प्रोडक्ट सेफ है, इसकी गारंटी आप दे पाएंगी? बिल्कुल, सारे इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपकी स्किन को 100% सूट करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं कि बस आपने कुछ भी लिया, उठाया और दे दिया। सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और साथ ही बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। साथ ही आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि यदि किसी प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, है ना, तो आप उस प्रोडक्ट को 25 से 30 के अंदर आप यूज किया हुआ, 25% तक यूज किया हुआ कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। तो आप बताओ, यहाँ आपको कोई नुकसान ही नहीं है, आप यूज करोगे, पहली बात तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़े। पर बाय चांस कभी आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप उस केस में कंपनी को उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो और आप या तो पैसा ले सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई और प्रोडक्ट ले सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। और अच्छा मैम, आपने तो बताया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, बट ये अच्छी बात नहीं है कि किसी पर, ऑब्वियसली आप जब बोल रही हैं कि हम उसको 20 से 25% अगर यूज करके भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं अगर अच्छा ना लगे तो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है, अगर उसकी पैक अगर हम लोग खोल दे तो वो रिटर्न नहीं आता। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे आपका ये शब्द लगा कि यहाँ पे रिटर्न भी हो जाता है, फुल पैसा रिफंड भी होता है। तो एक बात बताइए कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता की हम जांच कैसे करेंगे? भैया थोड़ा नेटवर्क का इशू था इसलिए आगे पूछो, क्या पूछना चाह रही थी आप? मैं पूछ रही थी मैम कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे मैम? आपने तो सिर्फ कह देने से तो नहीं, क्योंकि सारे लोग तो यही बोलते हैं ना, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रोडक्ट ले लो, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ तो कोई है नहीं, है ना। बहुत सही, बिल्कुल सही है। जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने तो लिटरली बोल दिया था कि वेल के प्रोडक्ट्स तो मैं लूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई फूड सप्लीमेंट बिना डॉक्टर से पूछे लेना या नहीं लेना, है ना। तो पर जब मैंने यूज किया, इस प्रोडक्ट की जानकारी पूरी मुझे प्राप्त हुई और मैंने जब यूज करना शुरू किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और मैं बताऊं तुमको, मेरी बेटी को कोविड हो गया था और कोविड के बाद उसे चेस्ट पेन हो रहा था और उसने अनीता मैम का एक सेशन अटेंड किया था, तब उसे मल्टीविटामिन की जानकारी मिली और वो बहुत अच्छी टीचर भी है और क्षिति उनको मानती भी है। तो उसने जब देखा कि हाँ ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तो उसने सिर्फ 3 दिन मल्टीविटामिन खाई प्रिया, और 3 दिन के बाद ही उसने मुझे कंप्लेन करना बंद कर दिया कि मम्मा बहुत अच्छा है, मेरा पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरह मेरे हस्बैंड को भी पेट का प्रॉब्लम था तो उन्होंने खाली पेट डिटॉक्स लेने शुरू किया,
उनके साथ मैंने भी, तो अब तो ये स्थिति है कि मेरे घर में वेल के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और साथ ही तुमको एक चीज और बता दूं कि हर मंगलवार को हमारे आजादी अचीवर की टीम पे शाम 5 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट का डेमो होता है, तो उसमें तुम आके प्रोडक्ट डेमो देख सकती हो और गुणवत्ता आप बिल्कुल क्लियर आपको जो दिखेगा वो समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, कितने अच्छे कितने सस्ते प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ओके मैम, तो बहुत अच्छा है मैम। तो अच्छा एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है मारा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं टीचिंग करती हूँ, ऐसे सर ने मुझे बताया कि मैं एक टीचर हूँ, है ना, तो मैं एक टीचर, मेरे पास इतने समय नहीं होते हैं कि मैं इस बिजनेस को करूँ, तो क्या मैं इसको मतलब अपना हाफ टाइम में कर सकती हूँ या अपना फ्री टाइम में, जो आपने बताया कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको कहीं आने जाने की तो मेरे पास समय है नहीं, है ना, तो क्या मैं इसको ऑनलाइन कर सकती हूँ, क्या ऐसी कोई सुविधा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जैसा तुम्हारा क्वेश्चन है ना वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी शुरू में यही सोचती थी कि ये बिजनेस, मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगी, पर जब मैंने देखा तो पाया कि भाई इसको तो मैं पार्ट टाइम में भी बिल्ड कर सकती हूँ। और आज भी मैं 4 बजे स्कूल से आती हूँ, सुबह 7 से 4 मेरा स्कूल होता है, उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियोज भी बनाती हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। ये बिजनेस एक्चुअली करने के साथ साथ सीखने का भी ज्यादा है। जो व्यक्ति सीखने को तैयार होगा ना वही जीतेगा। आज यदि तुम चाहती हो कि तुम इस बिजनेस को करो अच्छी तरह से तो तुम्हें सीखना होगा, फिर चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारा ये आजादी अचीवर का प्लेटफॉर्म हो या आजादी अचीवर के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको रोज 5 बजे आना ही चाहिए प्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगी। साथ ही आर्यदेव सर की भी मीटिंग्स होती है, सुरेखा भार्गव मैम की मीटिंग्स रोज 6:30 बजे से होती है, आप उनको अटेंड कर सकती हैं जब आपको कन्वीनियंट हो। और आप जब मोदी केयर के ऐप में जाओगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेंगे, तो कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और वाकई जब मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा भी यही क्वेश्चन था, मैंने भी सविता दी से यही पूछा था कि भाई मैं तो जॉब करती हूँ तो मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगी, पर वाकई मैंने महसूस किया कि नहीं ये तो पार्ट टाइम का बिजनेस है, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। तो है ना मजेदार बात कि हम फ्री टाइम में भी एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं। और मेरा तो ड्रीम है जल्दी से जल्दी रिटायर होना। अच्छा हाँ या पूछो पूछो। एक क्वेश्चन लास्ट है कि मैम सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जो ये आप जैसे ये बिजनेस बता रही हैं, मुझे लग रहा है कि नेटवर्किंग है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्किंग ही है। और होता क्या है ना प्रिया, हाँ पूछिए पूछिए प्रिया। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग के जो प्रोडक्ट होते हैं अच्छे तो होते हैं नो डाउट, बट महंगे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जो हम सब जो है ना, क्योंकि हमारी सैलरी बहुत कम है, हम टीचिंग करते हैं तो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और आपने बताया था कि 1100 2100 3100 से स्टार्ट करना है मैम, तो सपोज दैट पैसे नहीं हुए तो क्या हमारी आईडी ये हो सकती है, निकल से हट सकती है हमारी जो आईडी लगी हुई है, या हमने जो ज्वाइन करा तो क्या मतलब वहां से रिजेक्ट हो सकते हैं, फिर कोई फायदा नहीं करने का। देखो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है, ये कि ऐसा लगता है लोगों को कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना, इसमें तो क्लियर बोल रहे हो आप कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ऐसा पहले मुझे भी फील हुआ था कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पर कॉस्ट पर यूज हम बात करें और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतनी कम प्राइस में हो ही नहीं सकते। अब आप देखो, आप जैसे सपोज 2000 से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, माना कि आपने 2100 से शुरू किया बिजनेस, तो 2100 में 2000 रुपए आपके हुए, 2000 रुपए आपको रिपर्चेज ऑफर मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा लाभ है। रिपर्चेज ऑफर यानी क्या? रिपर्चेज ऑफर में आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे कंपनी की ओर से, हर मंथ में कंपनी फ्री देती है, ठीक है। और इसके अलावा लॉयल्टी भी मैंने आपको बता दी कि 6 महीने तक आप लगातार कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो 6वें महीने के बाद 7वें महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसका एवरेज निकाल के, तो हो गए ना सस्ते प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप पर्सनल यूज तो करोगे ही, कुछ प्रोडक्ट आप पर्सनल यूज करोगे और कुछ प्रोडक्ट आप किसी से शेयर करोगे, है ना,
शेयर करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, अब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर के सामने, बिल्कुल ठीक सामने, एक ज्योतिबा भी है और वो प्रोडक्ट्स लेती हैं मोदी केयर के किसी और से। अब मुझे पता ही नहीं था, जब मैं उनसे बात की तो मुझे पता चला और वो मेरी बहुत अच्छी कस्टमर बन गई। तो धीरे धीरे जब हम शेयर करने लगते हैं ना, तो सारी चीजें होने लगती हैं। तो प्रिया, अब बहुत अच्छी चीज है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब ये बताओ कि तुम कितने अमाउंट से, पहले तुम अपना क्या आईडी दोगी ये बता दो, कि आधार कार्ड दोगी कि वोटर आईडी दोगी, क्या देना पसंद करोगी? ओके मैम, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। और जहाँ तक बात रही अभी रजिस्टर्ड होने की, रजिस्टर्ड ग्राहक होने की, तो थोड़ा सा मेरे फैमिली में भी पेरेंट्स हैं, भाई हैं, छोटा भाई है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा उन लोगों से भी पूछ लूँ, क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बिना पेरेंट्स अलाउ का कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हूँ आपसे कि अब इसलिए मैं इस बिजनेस में सोचूंगी। और आज मुझे सोचने का, क्योंकि अब आप बातचीत करते हमें समय कुछ एक्सपेंड हुआ, तो हम सोएंगे, थोड़ी सी सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच पर आपको प्रिया, कल मैं बताऊंगी। चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स से मैं कल मीटिंग करूं और मैं उन्हें सारी चीजें बता दूं, है ना? तो ज्यादा अच्छा होगा कि कल मैं उनसे मिलती हूँ। पर तब तक इसमें ज्वाइनिंग में आपको कोई नुकसान तो है नहीं, तो आप बता दीजिए कि आपकी आईडी किस नाम से लगाना चाहेंगी, आपके नाम से या मम्मी के नाम से? यस मैम, अगर बिजनेस मुझे करना है तो मैं अपने नाम से ही लगा लूंगी, है ना, और बहुत मम्मा का बढ़िया, नाम ले लूंगी, क्यों, ताकि उनका बिल्कुल आशीर्वाद भी साथ बिल्कुल। मिलता रहे। तो हाँ हाँ चाहेंगे और कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन तो को कर, फ्री है ना, आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो यस बेटर है मैम, कि हम लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं फ्री और है फिर मैम। प्रोडक्ट्स हम बाद में, प्रोडक्ट्स आप डिसाइड कर लेना अपने पेरेंट्स के साथ, कल हम मिलके बात कर लेंगे, है ना? और सीधी बात है कि देखो, साइकिल जब हम चलाना सीखते हैं, है ना, तो क्या होता है, हम पहले चलाने लगते हैं कि पहले सीखते हैं? पहले सीखते हैं मैम, सीखना तो एब्सोल्युटली, पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा, पर उसके लिए साइकिल हाथ में उठानी पड़ेगी, चलना होगा साइकिल पे, उसके बाद ही तो हम कर पाएंगे। तो यस वही मैम, चीजें, शुरू करो और आपके नाम से आईडी लगा ली जाती है, और फिर उसके बाद में हम मिलते हैं पेरेंट्स के साथ और डिसाइड करते हैं हमको कितने के प्रोडक्ट्स लेने हैं ओके मैम, और कितने से प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रिया आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन, लाजवाब सेशन। आज का सेशन जो था सबसे धमाकेदार था, दो गुरुओं के बीच में वार्ता हुई और निश्चित से सबको पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी हम बस 2 मिनट का रिव्यू ले लेते हैं अपने ही टीम के सीनियर डायरेक्टर दिव्यानंद जी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब लोगों में अपना नाम गुप्ता अंकल, रमेश अंकल, सती अंकल, सविता बुआ, कविता आंटी, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाकई में आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसके पहले ऐसा सेशन कभी देखने को नहीं मिला, तो आज सच में बहुत अच्छा लगा। हमें कैसे अप्रोच करना है वो मैम ने बहुत अच्छे से हमें बताया, प्लान के बारे में बताया कि पहले क्या बोलना है, प्लान, प्रोडक्ट्स, प्रेजेंटेशन कैसे देने हैं, पैसे कितना खर्च होता है, क्या नहीं होता है, बहुत अच्छे से मैम ने बताया। प्रिया, क्वेश्चन आंसर का डिबेट था, मजा आ गया, वाकई बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। चलिए एक और रिव्यू ले लेते हैं, समय थोड़ा सा और बचा हुआ है, सविता दीदी का। सविता दीदी गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सेशन में उपस्थित सभी गुरु श्रेष्ठ गुप्ता सर, रमेश सर, आशुतोष सर को सत सत नमन, और सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको वेलकम। और आज का सेशन लाजवाब, मस्त, अप्रोचिंग भी बहुत अच्छा, और प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में जो सेशन प्रस्तुत हुआ वो भी बहुत अच्छा। प्रिया का सवाल और कविता जी का लाजवाब जवाब, दिल खुश हो गया बाग बाग। जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि ये पहली बार ये सेशन हुआ, वास्तव में पहली बार और धमाकेदार हुआ। ओवर टू आशुतोष सर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग के बीच में एक और डायरेक्टर है, समा प्रवीण मैम। समा प्रवीण मैम लखनऊ से हैं। समा जी,
माइंड ब्लोइंग सेशन था कविता मैम का और प्रिया जी और प्रिया का, बहुत अच्छा सवाल जवाब, और किस तरह नए लोगों से हम किस तरह से बात कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली वो चीज बताई, बहुत अच्छा डिबेट था। क्वेश्चंस प्रिया बहुत पूछती हो। थैंक यू सो मच दिव्या। लोग पूछते हैं ऐसे ही पूछते हैं और बहुत अच्छे से आपने, सही बात, बहुत अच्छा सेशन था। मैंने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, एक्चुअल में ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट पूछा करते, परेशान कर देते, इसलिए मैं, हां सही बात है, ऐसे ही लोग हर जगह पर एक जैसे ही होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। जो परेशान करते हैं, जो परेशान करते हैं वही मोदी केयर में सफल होते हैं। मैंने भी गुप्ता सर को बहुत परेशान किया था। क्या गुप्ता सर? वो आज का सेशन वाकई बहुत खास था। गुप्ता सर की मुस्कान बता रही है कि हम लोग का सेशन काफी खास था और ये रिकॉर्डिंग भी हुआ है, सब लोगों के बीच में फिर से आएगा। और हमको लगता है बहुत लोगों की दिशा दशा को बदलने में ये सेशन और इस सेशन का वीडियो जो ऑलरेडी गुप्ता सर बनाए हैं काम करेगा। तो आज का सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं और इसके बाद, बहुत बढ़िया, इसके बाद हम 10 से 15 मिनट का एक और सेशन करेंगे, उसमें खास लोग होंगे, आइए फिर बात करते हैं। बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया कविता जी, प्रिया बहुत 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 धन्यवाद, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुप्ता सर और ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच।